नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट और उसकी भूमिका लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब किसी को कहीं न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट चलता है, जब उसको संसद से न्याय नहीं मिलता, जब किसी नागरिक को सरकार से न्याय नहीं मिलता और जब किसी नागरिक को सिविल सोसाइटी से न्याय नहीं मिलता, जब किसी नागरिक को अपनी नौकरी के दौरान न्याय नहीं मिलता तो अदालत का दरवाजा खटखटाता है और उसको इस बात की पूरी उम्मीद होती है कि अदालत उसके साथ इंसाफ करेगी। लेकिन पिछले दिनों एक ऐसा माहौल देश के अंदर बना है जिसमें यह कहा जाने लगा है कि इंसाफ दरअसल सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से नहीं मिल रहा है। बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा का जो प्रस्थान बिंदु है, जो संदर्भ है, वह है मशहूर वकील प्रशांत भूषण, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। उसके संदर्भ में चार महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। पहला महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहा है? दूसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट वाणी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रहा है? तीसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर फैसला कर रहा है? और चौथा सवाल, क्या वो समय आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के रिश्तों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए? और क्या उस तरीके का माहौल देश के अंदर बन रहा है जिस तरीके से 70 के दशक में माहौल बना था और जिसकी आज भी चर्चा की जाती है कि उन दिनों सुप्रीम कोर्ट सरकार के सामने यानी इंदिरा गांधी के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक, क्या वैसे हालात बन रहे हैं? इन पर करेंगे चर्चा। लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील, हमारी अपील यह है कि सत्यहिंदी.com ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने की एक मुहिम है, आप इसमें हमारी मदद करें ताकि हम मजबूती के साथ सच को सच कह सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे और हमें आर्थिक भुगतान करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, तो न केवल ये हमारी मदद होगी बल्कि पत्रकारिता के मजबूत करने की मुहिम में भी आप शामिल होंगे। और अब आज के विषय पर लौटते हैं। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ है 12 तारीख को, जब मशहूर वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया और उस दिन उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को वो इस मसले पर सजा का ऐलान करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी मान चुका है और उनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद से देश के अंदर जमकर एक बेचैनी सी दिखाई पड़ रही है। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उस वक्त देश के तकरीबन 1500 वरिष्ठ वकीलों ने और दूसरे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस पूरे मसले पर प्रशांत भूषण को सजा ना दे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या होगी, लिहाजा वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। दूसरा पहलू ये है कि बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा है कि अगर प्रशांत भूषण जैसे लोगों को अगर सजा दी जाएगी तो फिर वकील के बोलने की आज़ादी कम होगी और वो हतोत्साहित हो जाएंगे, यानी डिस्करेज्ड हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक अजीबोगरीब स्थिति भी पैदा हो गई है कि 20 तारीख को प्रशांत भूषण के समर्थन में पूरे देश भर में उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा होगा और दूसरी तरफ प्रशांत भूषण के पक्ष में लोग इकट्ठा हो रहे होंगे। हालांकि कोरोना के मौके पर यह भी कहा गया है कि आप वर्चुअल में माहौल में भी आप जुड़ सकते हैं, आप जूम से भी जुड़ सकते हैं और आप अपने अपने घरों में भी इस तरीके का अपना विरोध प्रदर्शन जता सकते हैं। ये स्थिति अद्भुत स्थिति बन गई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वो दो ट्वीट कौन थे जिन ट्वीट को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है। दरअसल प्रशांत भूषण ने दो ट्वीट्स किए थे और एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जब
भविष्य के इतिहासकार पिछले 6 वर्षों को देखेंगे कि औपचारिक आपातकाल के बिना भी भारत में लोकतंत्र कैसे नष्ट किया गया है, तो वे विशेष रूप से इस विनाश में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को चिन्हित करेंगे और विशेष रूप से अंतिम 4 न्यायाधीशों की भूमिका में। उनका ये ट्वीट अंग्रेजी में था, मैंने उसका हिंदी में तर्जुमा किया। एक और ट्वीट है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, वो ट्वीट ये है कि आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें मुख्य न्यायाधीश बोबडे नागपुर में हार्ले डेविडसन पर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं, ना उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था ना ही मास्क। उस संदर्भ में ट्वीट किया गया है कि जब नागरिकों को न्याय तक पहुंचने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखते हुए वह सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन मोड में रखते हैं, तब चीफ जस्टिस बोबडे हेलमेट या फेस मास्क नहीं लगाते हैं। इन दोनों ट्वीट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया है और कॉग्निजेंस लेने के बाद कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है क्योंकि इन दो ट्वीट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो गरिमा है, उसका जो मान है वो घटा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर लोगों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो सम्मान है वो सम्मान कम हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कम हुआ तो जाहिर सी बात है इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। तो इन दो ट्वीट्स के मद्देनजर ये सारा हंगामा खड़ा हुआ है। अब 20 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला भारत के लोकतंत्र के इतिहास में। अगर सुप्रीम कोर्ट को जेल की सजा सुना दी जाती है तो यकीन मानिए ये पल भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक डिफाइनिंग मोमेंट के तौर पर रजिस्टर होगा। डिफाइनिंग इसलिए क्योंकि कुछ क्षण इतिहास में ऐसे होते हैं जो आने वाले भविष्य को तय करते हैं। उस दिन यह तय होगा कि आपकी वाणी की स्वतंत्रता पर एक तरीके से अंकुश लगेगा। आप किसी भी चीज को लिखने के पहले, सोशल मीडिया पर डालने के पहले, अगर आप कोई स्वस्थ आलोचना भी कर रहे हैं तो भी आप 10 बार सोचेंगे कि कहें ऐसा तो नहीं कि इसका कोई अवमानना ले ली जाए, कहीं इसकी वजह से उनको जेल जाना पड़े। मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है और आज की तारीख में जिन अंग्रेजों ने इसको बनाया था खुद उन्हीं अंग्रेजों की जुडिशियरी में इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के उनकी डिक्शनरी से हटा दिया गया। यानी आज की तारीख में वहां पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नाम की कोई चीज नहीं। आप जुडिशियरी की जमकर आलोचना कर सकते हैं, जजेस की आलोचना कर सकते हैं और उनकी चीरफाड़ भी कर सकते हैं। भारत में भी लगभग इसी तरीके की परंपरा थी, जब कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता था, अदालत का कोई फैसला होता था तो भारत के संविधान के मुताबिक आप उन फैसलों की तीखी से तीखी आलोचना कर सकते हैं पर आप जज के इंटेंट पर आप संदेह नहीं कर सकते हैं। यानी आलोचना का अधिकार हर आदमी को है, लेकिन अगर इन ट्वीट को अगर यह माना जाए कि आलोचना के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल गया है और ऐसी बातें कही गई हैं जो दिखने में और सुनने में मुझे तो नहीं नजर आती कि इससे किसी सुप्रीम कोर्ट का अवमानना हो रही है, तो गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये वाणी की जो बोलने की आज़ादी है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है गाहे बगाहे उसका एक हिस्सा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पर यह सवाल से प्रशांत भूषण के अभी के की वजह से हुआ है। दरअसल पिछले कई सालों से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार के खिलाफ कोई फैसला करने से वो डरने लगा है। ऐसा परसेप्शन, ऐसा इमेज, ऐसी तस्वीर बन रही है और ये भी कहा जाने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले कर रहा है। इस पर काफ़ी बड़े बड़े लेख लिखे जा चुके हैं, कई विद्वानों ने इस पर चर्चा भी की है और कई लोगों ने इस बारे में हिंट किया है और अगर आप पॉलिटिकल कॉरिडोर में जाएंगे तो ये बात खुलकर ओपनली कही जा रही है। सरकार इसको कहकर टाल सकती है कि दरअसल ये विपक्ष की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है और चूंकि वो सरकार के ऊपर हमला करने कोई दूसरा रास्ता नहीं पा रहे इसलिए इस तरीके की बात की जा रही है। लेकिन कुछ फैसले पिछले दिनों ऐसे हुए हैं जिनका मैं आज यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, जैसे राफेल का फैसला। राफेल को एक बुनियादी चुनावी मुद्दा बना था चुनाव के दौरान, आपको पता है उसमें ये कहा गया था कि दरअसल उसमें कुछ घुसखोरी की गई है या उसमें घोटाला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है वो सरकार को पूरी तरीके से क्लीन चिट दी थी। इसी तरीके से बहुत पहले बिरला सहारा डायरी का भी एक जिक्र था जिसमें यह हिंट किया गया था कि उसमें कुछ पैसे का लेन देन हुआ है और देश के प्रधानमंत्री का नाम शायद उसमें है। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी क्लीन चिट दे दी और कह दिया कि इसमें किसी तरीके का कोई तथ्य नहीं। इसके अलावा जज लोया
जिनका जिनकी जिनकी मौत हुई थी उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था, उस पर भी जब फैसला हुआ तब भी इस तरीके के आरोप लगे। और इनफैक्ट इन फैसलों की रोशनी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फैसले पूरी तरीके से किसी दबाव में किए गए, लेकिन इन फैसलों से ये जरूर ये ध्वनि निकली या ये आलोचना लोगों ने की कि दरअसल दबाव में किए गए फैसले हैं। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 12 जनवरी 2018 को, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज, जो कॉलिजियम का हिस्सा है मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस लोकुर, जस्टिस रंजन गोगोई एंड जस्टिस कुरियन जोसेफ, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इन्होंने कहा, जो मैं आपको पढ़ देता हूं, कि थिंग्स लेस देन, उनका कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीजें अदालत के अंदर हो रही हैं जो रिस्पेक्टेबल नहीं कही जा सकती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो। फिर उन्होंने यह भी कहा है कि फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी एंड इम्पार्शियल जज एंड जुडिशरी आर नीडेड। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक जस्टिस महोदय ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि आज से 20 साल के बाद जब हमारे आने वाली पीढ़ियां हमसे कहें कि जब लोकतंत्र को खतरा हो रहा था तो हम चुपचाप बैठे हुए थे। ये ऐतिहासिक था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज ने इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर या चीफ जस्टिस की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं खड़े किए थे। फिर से कह देता हूं, पहली बार इस तरीके से कोई वाकया हुआ। और ये कहा गया, उस वक्त रंजन गोगोई ने एक तरीके से टिप्पणी की थी कि जो 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 इस पूरे मसले का जो उत्प्रेरक था वो जज लोया केस की मौत से जुड़ा हुआ मामला था। और जज लोया की मौत में बार बार देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो उस वक्त बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उनका जिक्र होता था। हालांकि बाद में उनको इस पूरे मसले पर क्लीन चिट मिल गई थी। तो ऐसा नहीं है कि लोग बेबुनियाद बातें कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस के बाद अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये दुहाई दें कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, और वो भी जुडिशरी की वजह से, वहाँ पे कुछ खास केसेस को कुछ खास बेंच में दिया जाता, अगर इस तरीके का इंसिनिवेशन किया जाए, इस तरीके की बातें की जाएँ, और वो खुद जो खुद न्याय की कुर्सी में बैठते अगर वो करें, तो वाकई में ये सवाल तो लोगों के मन में खड़ा होगा कि क्या हिंदुस्तान की जुडिशरी आज सरकार के सामने पूरी तरीके से झुक गई है, और क्या उनके इशारे पर फैसले हो रहे हैं, और क्या इस बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र अगर सुरक्षित रखना है, अगर लोकतंत्र की आत्मा को अगर जीवित रखना है, तो इस तरीके के फैसले होने चाहिए। पिछले दिनों भी जब आपने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कम से कम 3-4 ऐसे वाकये हुए हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जो का जो रवैया है वो कम से कम उसकी कोई एक न्याय संगत या तार्किक व्याख्या नहीं की जा पा रही है। एक जिस तरीके से धारा 370 को शिथिल किया गया, 35A को हटाया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, और आज तक उस पूरे मसले पर किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था और ये इस पर फौरन सुनवाई होनी चाहिए थी। दूसरा, धारा 370 लगने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारियां की गई, और हैबियस कॉर्पस के कम से कम 250 केसेस सुप्रीम कोर्ट लोकल अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में भी लाए गए, लेकिन उन पर जो तत्काल हैबियस कॉर्पस में फौरन प्रतिक्रिया होती, उस तरीके की तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी, तो लोगों के मन में सवाल पैदा हुआ। इसी तरीके से जब CAA के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, उस वक्त भी CAA को चुनौती देने के लिए लोग अदालत के अंदर गए थे, और आंदोलन के दौरान भी जामिया मिलिया का मसला हुआ, तब भी लोग सुप्रीम कोर्ट और अदालतों में चक्कर में गए थे, उस वक्त भी जिस तरीके का रवैया अदालत का था उस पर लोगों को हैरानी हुई थी। अब मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता कि दरअसल क्यों और किस लिए किया गया, लेकिन ये वो इंसिडेंट थे जिन इंसिडेंट के आधार पे ये शक पैदा हुआ, लोगों के मन में एक कीड़ा पैदा हुआ कि ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे मामले सरकार चाहती है कि इस धारा 370 के ऊपर कोई फौरन फैसला ना आए, या CAA कानून पे कोई फौरन फैसला ना आए, या जो हेबियस कार्पस का मसला उस पर कोई फौरन फैसला आए। ये वो फैसले थे जिनसे सरकार को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा था।
जाहिर सी बात है, अगर कहीं आग, अगर कहीं धुआं निकल रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आग जली हुई है, और उसके लिए कहीं ना कहीं जुडिशियरी को भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दरअसल 2014 के बाद से जुडिशियरी में इस तरीके से अविश्वास पैदा हुआ है और इस तरीके के सवाल खड़े किए हो जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर जुडिशियरी इस तरीके का फैसला कर रही है। बिल्कुल, ये इसके पहले भी जब मिसेस गांधी जब जवाहरलाल नेहरू थे उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था, और जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी उस वक्त भी ये सवाल खड़ा। मैं आपको दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त जो देश के पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम था जस्टिस कानिया। जस्टिस कानिया के बाद जस्टिस पतंजलि शास्त्री वो दूसरे नंबर के सबसे सीनियर जज थे। नेहरू जी शास्त्री को पसंद नहीं करते थे, और नेहरू जी ने बाकायदा इस पर डिस्कशन पार्टी के अंदर और बाहर किया कि अगर शास्त्री जी की जगह किसी दूसरे को बना दिया जाए, वो दरअसल जस्टिस दास को बनाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त उनके उसका विरोध किया गया और नेहरू को शास्त्री को बनाना पड़ा। जब शास्त्री जब रिटायर हो गए उसके बाद जस्टिस महाजन का नंबर था और नेहरू जी उनको भी नहीं बनाना चाहते, लेकिन उस वक्त भी चर्चा हुई और अंत में महाजन चीफ जस्टिस बने। तो उस वक्त चर्चा जरूर हुई, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि जुडिशरी के मान सम्मान को किसी तरीके का ठेस लगे। लेकिन इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो एक थियोरी फ्लोट की गई, और वो उस थियोरी को एक तरीके से कुमार मंगलम डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। जो वामपंथी थे, जो CPI से कांग्रेस पार्टी में आए थे, मिसेस गांधी के बड़े करीबी हो गए थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और उस डॉक्ट्रिन का नाम ये था कि हमें तो फॉरवर्ड लुकिंग जजेस चाहिए, बैकवर्ड लुकिंग जजेस नहीं चाहिए। उनका कहना ये था कि जो सरकार जो सोशल रिवोल्यूशन करना चाहती है, उसके जो सोशल रिवोल्यूशन के एजेंडे हैं उनके मामले में जुडिशरी अड़ंगा लगाती है, इसलिए ऐसी जुडिशरी चाहिए जो सरकार को सोशल रिवोल्यूशन में मदद करे। और उस थियोरी के तहत कमिटेड जुडिशरी की बात की गई, यानी एक ऐसी जुडिशरी हो जो सरकार के हिसाब से चले, सरकार के कामों में अड़ंगा ना लगाए। इसका नतीजा ये हुआ कि 1973 में तीन सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके चौथे नंबर के जज जस्टिस A.N. राय को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। ये A.N. राय महोदय वो थे जिन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन के मामले में और प्रीवी पर्स के जो में सुप्रीम कोर्ट में डिसेंटिंग नोट दिया था, यानी सरकार के पक्ष में अपनी बात कही थी, यानी उनका जो तर्क था, उनका जो विश्लेषण था, उनका जो फैसला था वो सरकार के पक्ष में था, बाकी का जो जजेस का फैसला था सरकार के खिलाफ था। तो उस वक्त तीन जो सबसे महत्वपूर्ण जजेस थे, जस्टिस शीलक, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर, उनको सुपरसीड करके जस्टिस A.N. रे को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। और ये एक ब्लेटेंट एक तरीके से कहते हैं भारत की, हालांकि तो उस वक्त ये भी तर्क दिया गया था कि चूंकि हिंदुस्तान के अंदर सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाने की एक परंपरा है लेकिन कोई कानून ऐसा नहीं है, तो उसको उस तरीके जस्टिफाई किया गया था, लेकिन असली कारण कुछ और बताए गए थे। अब उसके बाद जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के अंदर मौलिक अधिकारों के हनन को का मसला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े जज जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने उनकी भी सरकार के खिलाफ फैसले देने की हिम्मत नहीं पड़ी। सिर्फ एक जज थे जस्टिस H.R. खन्ना जिन्होंने अपना डिसेंटिंग नोट दिया, और आज भी H.R. खन्ना को इसलिए जाना जाता है। जस्टिस P.N. भगवती, जस्टिस चंद्रचूड़ जो बाद में बड़े जज माने गए, बड़े स्थापित जज माने गए, इन्होंने आगे चल के इनफॉर्मली ये माना कि हम लोग दरअसल आपातकाल के दौरान डर गए थे। अब आज की तारीख में अगर आप देखें तो जो डर का माहौल एक तरीके से है, जिनमें सारी संस्थाएं एक तरीके से सरेंडर करती जा रही हैं और सरकार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो दूसरे संस्थान हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सवाल खड़ा होता है क्या जुडिशरी में भी अब उसका असर पड़ने लगा है? क्या जुडिशरी में भी अब ऐसे जजेस पहुँच गए हैं जो दरअसल सरकार के इशारे पर काम करते हैं, सरकार के डर या सरकार के खौफ में काम करते हैं? और ऐसे जजेस की नियुक्ति पिछले दिनों हो रही है जो एक तरीके से खास तरीके की विचारधारा में यकीन करते हैं या प्लायबल हैं, जो उस वक्त जब जस्टिस A.N. रे को अपॉइंट किया गया था तब उस वक्त भी ये कहा गया था कि जस्टिस A.N. रे प्लायबल होंगे, मतलब प्लायबल का मतलब जो सरकार चाहेगी उस तरीके से वो फैसले करेंगे। और जस्टिस T.S. ठाकुर के बाद से जो
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति हो रही है उस पर जस्टिस टी एस ठाकुर के समय में भी वो एक तरीके से रो दिए थे। उन्होंने कहा था क्या जुडिशियरी पे ताला लगा दिया जाए, क्योंकि सरकार इस तरीके के अड़ंगे डाल रही थी। उस वक्त भी कड़े सवाल खड़े हुए थे जब जस्टिस सदाशिवन को जब चीफ जस्टिस बनने के बाद जब फॉरन रिटायर किया उनको केरला का गवर्नर बना दिया गया। और अभी हाल का मामला है जब जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हुए तो कुछ दिनों के बाद ही उनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया। तो ये भी लोग कहते हैं कि दरअसल ये सारे फैसले जो है वो जुडिशियरी को प्रभावित करने के लिए हो रहे हैं। ऐसे में अगर कोई वरिष्ठ वकील अगर इस ओर इशारा भी करता है, ट्वीट भी करता है, अगर जुडिशियरी की आलोचना भी करता है और उसको ये कह दिया जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो फिर ये कहाँ से जस्टिफाइड है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की तीखी से तीखी आलोचना या चीफ जस्टिस की तीखी से तीखी आलोचना का मतलब अदालत की अवमानना नहीं होता है। हमारा संविधान जो है वो डिबेट डिस्कशन पे चलता है, क्रिटिसिज्म पे चलता है, और अगर लोग वकील संस्थान अगर आलोचना करना बंद कर देंगे और अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, खासतौर पर जुडिशरी में जो न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो मामूली सी आलोचना पर अगर वो विचलित होने लगेंगे तो फिर इस देश का लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। और फिर जुडिशरी के बारे में यही कहा जाएगा कि दरअसल जुडिशरी जो है वो वाणी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रहा है और सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। और जब इस तरीके की बातें की जाएंगी तो उससे जुडिशरी की साख को ज़्यादा बड़ा खतरा मौजूद होगा, बशर्ते कि किसी के ट्वीट से। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।